हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल ब्लैक फॉरेस्ट केक, जिसे मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। और इस वीडियो में मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं, जिससे कि आपका जो केक है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनेगा। और साथ ही साथ मैंने वो मिस्टेक्स भी बताए हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं और उनका केक जो है वो बिगड़ जाता है। और आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैंने सारे टिप्स शेयर किए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना इसे दौड़ाए और भगाए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा कप दूध, और ये जो दूध है ये रूम टेम्परेचर पे है, नहीं तो गर्म है नहीं तो ठंडा है। और इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच सफ़ेद सिरका, आप इसकी जगह लेमन जूस भी ले सकते हैं। और इसे मिक्स करेंगे डालकर। केक बनाने के लिए सारी जो चीज़ें हैं वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, मतलब कुछ भी आपने फ्रिज में रखा है तो उसे एक घंटे पहले बाहर निकाल दें। तो इसे हम साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बोल, और साथ ही में मैंने लिया है पिसी हुई चीनी और मेजरिंग कप। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें सारी चीज़ें मेजर करनी है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो होती है मेजरिंग में। बेकिंग में मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप अच्छे से करें। तो यहाँ पर हमें लेनी है 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 3/4 कप। तो इस तरह से हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसे प्रेस करते हुए हम लेवल कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से आप इसे अच्छे से लेवल कर लें। तो ये हमारा 3/4 कप पिसी हुई चीनी है, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम लेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी ऐसा ऑयल ले सकते हैं जिसमें कोई फ्लेवर या फिर खुशबू ना हो, और इसे इसमें ऐड करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए, जब तक कि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से कम्बाइंड नहीं हो जाती और ये थोड़ा लाइट और फ्लफी नहीं हो जाता। 1 मिनट के लिए आप अच्छे से मिक्स करें। तो ये हो गया है। इसके बाद रखेंगे हम एक स्ट्रेनर, और इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है मैदा। तो मैदा मेजर करने के लिए यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है, और सबसे पहले मैदे को हम इस तरह से चम्मच से हिला हिला के इसे लाइट करेंगे, थोड़ा फ्लफ़ी करेंगे, क्योंकि मैदा जो है वो बैठा हुआ रहता है। तो उस तरह से आप अगर मेजरमेंट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं होगा। तो इसलिए आप पहले मैदे को अच्छे से इस तरह से हिला कर फ्लफ़ी कर लें, लाइट कर लें, उसके बाद आप इसे मेजरिंग कप में इस तरह से डालें। आपको मेजरिंग कप को नहीं तो लेवल करना है अभी, नहीं तो इसे थपथपाना है, बस आपको इस तरह से लाइट हाथों से भरते जाना है इसमें मैदा, पूरा ऊपर तक आपको इसे भरना है। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से भर लें। फिर चम्मच के पीछे वाले हिस्से से, या फिर आप कोई चाकू भी ले सकते हैं, पीछे वाले हिस्से से इस तरह से इसे हल्के हाथों से लेवल कर देना है। प्रेस करते हुए नहीं करना है, बस हल्के हाथों से आप ऊपर से इसे लेवल कर दें। ये देखिए, तो ये हमारा 1 कप मैदा हो गया है, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर है मेरे पास बेकिंग पाउडर, ये भी हम इसी तरह से लेंगे लेवल करके, चम्मच भर के लेना है, फिर लेवल कर देंगे इसे हल्के हाथों से। तो ये 1 चम्मच हो गया बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चम्मच। और इसी तरह से मैंने इसमें डाला है 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। और इसके बाद हम लेंगे कोको पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का कोको पाउडर ले सकते हैं, और इसे हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। ये देखिए, इस तरह से 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कोको पाउडर। और अब हम इसे इसमें सीव कर देंगे। सीव करने से मैदे में जो है वो एयर कॉर्पोरेट होती है, जिससे कि हमारा जो केक है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। और कोको पाउडर में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे लम्स होते हैं, तो आप जब भी कोको पाउडर यूज़ करें किसी भी डिश में, तो आप उसे हमेशा पहले स्ट्रेन कर लें। और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध, जिसमें हमने सफ़ेद सिरका मिलाकर रखा था, वो पूरा ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। और मिक्सिंग के लिए आप चाहे तो स्पैचुला भी ले सकते हैं। केक के बैटर को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस इसे इतना मिक्स करना है कि जितने भी आपको अभी लम्स दिख रहे हैं इसमें वो सारे ख़त्म हो जाएँ, इतना मिक्स करना है इसे। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप दूध और लिया है, और इसे मिक्स करेंगे हल्के हाथों से।
तो ये देखिए केक का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए। तो केक का जो बैटर है वो रेडी है और अब हम रेडी कर लेंगे केक टिन को। तो यहाँ पर मैंने केक टिन लिया है, इसे हम ग्रीस करेंगे ऑयल से या फिर बटर से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, इसे मैदे से हम डस्ट करेंगे जिससे कि केक जो है वो बहुत ही ईजिली निकल आएगा। अगर आपके पास बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जो भी एक्सेस मैदा है उसे हम इसमें से निकाल देंगे, हटा देंगे। और इसके बाद हम इस केक टिन में डाल देंगे केक का बैटर। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई को प्रीहीट किया है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और इसमें हम रख देंगे कोई भी वायर रैक या फिर अगर आपके पास कोई छोटी कटोरी है तो आप वो भी रख सकते हैं उल्टा करके। और अब हम इसमें रख देंगे केक टिन और अब हम इसे कवर करेंगे। और कवर करके हमें इसे बेक करना है 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। आप इसे 30 मिनट बाद ही चेक करिएगा, बीच बीच में खोल के मत देखिएगा आप इसे। तो इसे रख देंगे हम बेक होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल 35 मिनट हो गए हैं और केक जो है वो अच्छे से बेक हो गया, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये राइज हुआ है। तो इसे हम चेक कर लेंगे टूथपिक से, अगर टूथपिक गिली निकले तो आप इसे 5-10 मिनट और बेक कर लें, लेकिन यहाँ पर टूथपिक बिल्कुल क्लीन है। तो इसे हम रख देंगे निकाल के ठंडा होने के लिए, उसके बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे। और अब हम बनाएंगे केक के लिए शुगर सिरप। तो इसके लिए हम पैन लेंगे सबसे पहले और इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप चीनी और इसे मिक्स करेंगे। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी जो है वो घुल नहीं जाती, इसकी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो ये देखिए चीनी जो है वो पूरी घुल चुकी है। और अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई चेरी, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चेरी लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है छोटा छोटा, और इसे इसमें ऐड करेंगे। और इसे हम 50 सेकंड्स के लिए कुक करेंगे चेरी डालने के बाद, इसमें उबाल आ जाएगा ये देखिए। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए शुगर सिरप को इसमें से निकाल कर। ये देखिए चेरी को मैंने शुगर सिरप में से निकाल दिया है और इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा मिल्क चॉकलेट, आप चाहे तो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। तो इसे हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर आप इसे चाकू की हेल्प से इस तरह से इसके कर्ल्स निकाल सकते हैं। और कर्ल्स निकालने के लिए चॉकलेट को जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज से बाहर निकाल के रखना होगा ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तभी उसके कर्ल्स जो है वो ईजिली निकल पाते हैं। अगर आप बिल्कुल हार्ड चॉकलेट में इसके कर्ल्स निकालेंगे तो वो अच्छे से नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ml व्हिपिंग क्रीम और ये पूरी तरह से चिल्ड है, फ्रीज़र से निकाली हुई, बिल्कुल ठंडी है ये। और इसे हम बीट करेंगे जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं बन जाते। इसे 2 से 3 मिनट लगेगा, ये 3 मिनट में हो जाता है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी 2 बड़ा चम्मच और फिर से हम इसे बीट करेंगे जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं आ जाते, तब तक हमें बीट करना है। ये देखिए क्रीम जो है वो रेडी हो गई है, इसमें सॉफ्ट पीक्स जो है वो बनने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि क्रीम जो है वो बीटर में से वापस नीचे नहीं गिर रही है। हमें तब तक बीट करना है, इसे ज़्यादा बीट नहीं करना है आपको क्रीम को। ये देखिए मैं इसे इस तरह से हिला रही हूँ तो भी ये नीचे नहीं गिर रहा है। और यहाँ पर केक भी जो है वो ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है। तो अब हम इसे रख देंगे एक केक बोर्ड पर। पहले हम इसे कट कर लेंगे 2 लेयर में, आप चाहे तो 3 में भी कट कर सकते हैं, मैं इसे 2 में कट कर रही हूँ। इसे ऊपर से हम कट करके निकाल देंगे जिससे कि इवन हो जाए। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है। तो अब हम इस पर लगाएंगे शुगर सिरप जिसे हमने बना के रेडी किया था चेरी वाला। इसे अच्छे से सोक करना है शुगर सिरप से, तभी आपका जो केक है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगा। वरना कई लोगों की शिकायत होती है कि फ्रिज में रखने के बाद केक जो है वो हार्ड हो जाता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने उसे अच्छे से शुगर सिरप से सोक नहीं किया होता है। और अब हम इस पर लगाएंगे व्हिप्ड क्रीम, इसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे चेरी जिसे हमने निकाल के रखा था शुगर सिरप में से। इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे सेकेंड लेयर और इस तरह से उल्टा करके रखेंगे।
और फिर से इसे सोक करेंगे हम शुगर सिरप से। और अब हम इसे कवर कर देंगे व्हिप क्रीम से। हर तरफ से आप इसे अच्छे से कवर कर दें। और अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। थोड़ी सी क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में निकाल लिया था, उससे इस तरह से हम इसके ऊपर डिज़ाइन बना देंगे। और इसके बाद हम इसके नीचे में भी इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे, ये देखिए। और इसके बाद इसके बीच में हम रख देंगे चॉकलेट के शेविंग्स जिसे हमने निकाल के रखा था। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे चेरी। तो ये देखिए रेडी हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी बिल्कुल बेकरी स्टाइल ब्लैक फॉरेस्ट केक। और मैंने सारे टिप्स भी बताए हैं जिससे कि आपका जो केक है वो बिल्कुल परफेक्ट बने फर्स्ट टाइम में ही। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। चल देन, बाय बाय, टेक केयर।